Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता मंडल स्तर के, बूथ स्तर के, प्रत्येक गांव के, वे कार्यकर्ता जिनका मेरे पर बहुत बड़ा एहसान है, जिन्होंने मुझे परिवार के मेंबर की तरह सहेज के रखा है, मैं उन सब की भावनाओं की ढेर सारी कदर करता हूं और उनको मैं ये विश्वास देने के लिए उनके साथ बैठकर हमने निर्णय किया है, उनकी भावनाओं को पूछकर हमने निर्णय किया है कि लक्ष्मणगढ़ में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने पूरे मनोयोग से इस चुनाव को अपना चुनाव मानकर लड़ें, ऐसा सब कार्यकर्ताओं का मन था। मैं कार्यकर्ताओं को ढेर सारा इस बात का साधुवाद देता हूं। मैंने भी कार्यकर्ताओं से आग्रह किया है कि सब कार्यकर्ता मिलकर ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीते, इसके लिए काम करेंगे, ऐसा आग्रह किया है। बैठक के दौरान कार्यकर्ताओं ने पार्टी प्रत्याशी दिनेश जोशी को बुलाने की मांग की। कार्यकर्ताओं में दो तरह के मन थे, कुछ कार्यकर्ताओं का मन था कि उनको यहाँ बुलाना चाहिए, कुछ कार्यकर्ताओं का मन था उनको यहाँ नहीं बुलाना चाहिए। इसलिए जब तक सर्वसम्मति से कोई बात तय नहीं हो, तब तक कार्यकर्ताओं के बीच में हम हमारे प्रत्याशी की भावनाओं की सदैव कदर करते हैं और किसी भी एक भी कार्यकर्ता द्वारा उनके प्रति किसी प्रकार का दूसरा भाव बैठक में निकले, ऐसा हम कभी नहीं चाहते। इसलिए जिम्मेदार कार्यकर्ताओं से वो मिलेंगे, उनको जो बात करनी चाहिए वो बात करेंगे और निश्चित रूप से वो इस चुनाव में सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर सबका दिल जीत कर यहाँ के नुमाइंदे के रूप में भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपकी टिकट लगभग पक्की मानी जा रही है सूत्रों के अनुसार, और उसके एंड वक्त पे प्रत्याशी बदला गया, उसके पीछे क्या कारण है? भारतीय जनता पार्टी लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर दोनों में से एक जगह जाट प्रत्याशी, एक जगह ब्राह्मण प्रत्याशी को उतारना चाहती थी। फतेहपुर से जाट प्रत्याशी तय होने की वजह से यहाँ से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने ब्राह्मण प्रत्याशी के रूप में बदला है, और कोई कारण नहीं था। जो लोग ऐसा सोचते हैं हमने कटवा दिया या हम ले आए, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे एक एक बात की जानकारी है। मैं जहाँ तक ऐसा मानता हूँ कि जब कोई किसी को गाली देता है तो गाली देने वाले की जबान खराब होती है, गाली सुनने वाला छोटा नहीं होता, गाली देने वाला छोटा होता है। जिन लोगों ने इस प्रकार का दुस्साहस या कुत्सित प्रयास किया है वो उनकी मानसिकता थी। मैं आज भी विश्वास से कहता हूं कि मैं मेरे जीवन में एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में, यहां तक मेरा जीवन मैंने जिया है, आगे भी मैं एक जिम्मेदार व्यक्ति के रूप में मिलूं। मैं ऐसा मानता हूं कि पार्टी में कुछ लोगों का मन खराब होने की वजह से तत्काल आवेश में कुछ निर्णय कर सकते हैं, पार्टी का कोई भी व्यक्ति पार्टी छोड़कर नहीं जाएगा। उनको मनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, पार्टी में काम करने वाले लोग पार्टी में ही काम करेंगे, उनका मन खराब है तो ठीक करेंगे। वो कल नामांकन सबके पूरे हुए हैं, आज सुबह से मैंने पहले शिखर विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर शिखर विधानसभा चुनाव हम कैसे जीते इसकी रणनीति पर बात की है, लक्ष्मणगढ़ के कार्यकर्ताओं से सबसे बात की है, अभी धोद विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग रखी हुई है, मैं यहाँ से जाऊँगा और उनके साथ बैठकर उस विधानसभा को हम कैसे जीत सकते हैं इस दिशा में भी हम काम करेंगे। मैं समझता हूँ जिले के 8 विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी जीत सके, इसके लिए पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को एक मन होकर लगाने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे और हम उसमें निश्चित रूप से सफल होंगे। जिले में राष्ट्रीय स्तर के किन बड़े नेताओं की बैठक है? जिले में अभी तक देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का आने वाले 4 दिसंबर के दिन शिखर के जिला स्टेडियम पर कार्यक्रम होना है, उससे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का कार्यक्रम फतेहपुर में होना है, ये 2 कार्यक्रम अभी तक सुनिश्चित हुए हैं। मैं समझता हूँ आज के बाद आज रात्रि को प्रदेश स्तर पर बात करके हम सारी सीटें कैसे जीते इसका रोड मैप तैयार करेंगे और निश्चित रूप से हम हर जगह चुनाव जीते इसका प्रयास करेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।